नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए वर्ष को लेकर सभी के मन में उत्साह, उमंग, जोश के साथ उम्मीद रहती है और साथ ही यह जानने की इच्छा भी कि नया साल उनके जीवन में किस तरह की खुशियां और चुनौतियां लेकर आएगा। ज्योतिष की मदद से काफी हद तक जाना जा सकता है और ज्योतिष की एक विद्या अंक ज्योतिष प्राचीन विज्ञान है, जिसकी मदद से आप आने वाले वर्ष में अपने भाग्य, अवसर और चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, साल 2022 में आपके मूलांक को क्या मिलेगा शुभ फल और जीवन में कौन से कठिन पलों का सामना करना पड़ सकता है, तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी 2022 के अनुसार आपके सितारे। मूलांक 9 के लोग अपनी बेबाकी और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जाने जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी 2022 के अनुसार इस साल आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली है। रोमांस के मामले में प्रियतम से नजदीकियां बढ़ेंगी और आपके रिश्ते में घनिष्ठता आएगी। आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, कभी अच्छे तोहफे लाना और सैर कराने के लिए जाना। इस तरह इस वर्ष आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा और आपको प्रियतम भी आपके व्यवहार से जो है वो खुश नजर आएगा। जो लोग शादीशुदा है, वर्ष की शुरुआत उन्हें जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर परेशान कर सकती है और काफी खर्चे भी करने होंगे। वर्ष के मध्य में आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने जाने का मौका मिलेगा और इस यात्रा में आपके बीच की दूरियां कम होंगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। न्यूमरोलॉजी 2022 मूलांक 9 के लोगों के नौकरी के लिए जो बता रहा है कि ये लोग खुश रहेंगे। आप साथ काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ जमा कर रखें, बना कर रखें, क्योंकि इस साल सहकर्मी ही काम आएंगे। व्यवहार अच्छा ना होगा तो आपके वही सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको पदोन्नति मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन तब तक आप अपने काम पर ध्यान दें। व्यापारी वर्ग के लोगों को वर्ष की शुरुआत में कुछ पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। आपके प्रयास और आपकी बुद्धि तथा आपका कौशल आपके बहुत काम आएगा और इस वर्ष आप अपने व्यापार को विस्तार देने में कामयाब होंगे। आपको विदेशी माध्यमों से भी अच्छा काम मिल सकता है। विद्यार्थियों को शुरुआत में कुछ परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां संभल जाएंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपके कंधों तथा जोड़ों में दर्द, पेट के रोग और सिर दर्द की समस्या बार बार परेशान कर सकती है, इसलिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था रखें। धन के मामले में वर्ष की शुरुआत बेहतरीन रहेगी और आपको अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। आप यह मान सकते हैं कि धन की आपके आंगन में झमाझम बरखा होगी। यह साल आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएगा।